हिमाचल प्रदेश में मॉनसून आफत बनकर बरसा है। प्रदेश में पिछले साल भी मॉनसून ने भयानक तबाही मचाई थी, जिसमें लगभग 500 से ज्यादा जान चली गई थी। इस साल भी मॉनसून ने राज्य में कई समस्याएं पैदा की है, लेकिन पिछले साल की तुलना में जान माल का नुकसान कम हुआ है। इस वीडियो में हम आपको इस साल मॉनसून से मची तबाही के बारे में बताने वाले हैं। बता दें कि इस साल 27 जून को मॉनसून ने हिमाचल प्रदेश में दस्तक दी थी। इस बीच दो महीनों के दौरान बादल फटने की 51 घटनाएं दर्ज की गईं। इसके अलावा कई लैंडस्लाइड और पेड़ गिरने की खबरें भी सामने आई हैं। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी भूस्खलन की घटनाएं सामने आई। इन इलाकों में खासकर किन्नौर के निगुलसरी और शिमला के बालूगंज क्षेत्र का नाम शामिल है। इसके अलावा पेड़ गिरने की कई घटनाएं भी हुई। इनमें कई इमारतों और सड़कों पर खड़े वाहनों को भी नुकसान पहुंचा। इन घटनाओं के चलते राज्य के कई हिस्सों में स्थिति बेहद चिंताजनक रही। मॉनसून प्रदेश के कई हिस्सों में काल बनकर बरसा। डिजास्टर मैनेजमेंट से मिली जानकारी के अनुसार 27 जून के बाद से यानी मॉनसून के दौरान 247 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें सड़क दुर्घटना में 107 लोगों की जान गई, 51 बादल फटने की घटना में 31 लोगों की मौत हुई और 33 लोग अभी भी लापता हैं। इसके अलावा भूस्खलन की 37 घटनाओं में 3 लोगों की जान गई है और 5 लोग घायल हुए हैं। साथ ही मॉनसून सीजन के दौरान कई घटनाओं में 374 लोग घायल हुए। इसके अलावा 149 पशुओं की भी मौत की पुष्टि की जा चुकी है। आपको ये भी बता देते हैं कि बादल फटने की घटनाओं में 83 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं, जबकि 38 मकानों को भी हल्का नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर 59 पक्के मकान, 76 कच्चे मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए और 109 पक्के मकान और 307 कच्चे मकान को हल्का नुकसान हुआ है। भूस्खलन से भी राज्य का एक मकान पूरी तरीके से टूट चुका है। मॉनसून के दौरान 415 पशु शेड, 57 दुकानें और 31 लेबर शेड को भी नुकसान पहुंचा है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अनुसार कुल मिलाकर 1,21,264 रुपए की सरकारी संपत्ति को भी नुकसान हुआ है। इस तरह की घटनाओं से राज्य की आर्थिक स्थिति पर भी गहरा असर पड़ा है। लोकल 18 के लिए शिमला से पंकज सिंगटा की रिपोर्ट।